Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna. तो वो ओ माय गॉड फिल्म मुझे स्वयं नहीं देखा, लेकिन सुना कि उसका मैसेज है मंदिर मत जाओ, जो मंदिर जाते हैं वे मूर्ख है, जो भगवान का नाम जाप करते हैं वे मूर्ख है। तो हमारा मैसेज है कि जो ओ माय गॉड बनाने वाले और जो ओ माय गॉड का मैसेज विश्वास करते हैं वे सब मूर्ख है, क्योंकि पहले समझना चाहिए भगवान ही है। और भगवान के बारे में हम ज्ञान मिलते शास्त्र से, ऐसे शराब पीने वाले, व्यसन करने वाले, व्यभिचारी, मांसाहारी बॉलीवुड प्रोड्यूसर से हम भगवान के बारे में ज्ञान नहीं मिलते शास्त्र से और पूर्वाचार्यों से। तो सब जो मंदिर जाते, क्यों लोग जाते मंदिर, ओ माय गॉड वाले तो पहले ऐसा मंदिर मत जाओ ऐसे कहने वाले नहीं है, ऐसे बहुत लोग थे और बहुत लोग होंगे। तो ऐसे लोग का प्रचार होते हुए भी तो लोग मंदिर जाते हैं, किस लिए? क्योंकि शांति मिलते हैं, आध्यात्मिक वातावरण मिलते हैं। तो ऐसे वो सत्ययुग में हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु का एक ही प्रचार था, रावण था त्रेता युग में, द्वापर युग में कंस इत्यादि राक्षस था, और काली युग में भी कुछ लोग जो ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे लोग तो आते ही जाते हैं, इस ओ माय गॉड कुछ समय के बाद से सब भूलेंगे ये ओ माय गॉड का मूवी। और भगवान कृष्ण की पूजा सेवा जाप करना मंदिर जाना तो वो ही चलेगा। महाराज जी फिल्म में मैसेज ऐसा नहीं था कि आप मंदिर मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, फिल्म में मैसेज ऐसा था कि भगवान को पाने के लिए कोई व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? तो क्या कहना है, सही है कि एक साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं बनाना है, भगवान तो नहीं हो सकते, जो सही जो साधारण आदमी तो भगवान नहीं हो सकते। लेकिन उस फिल्म में भगवान कृष्ण सूट पहनने वाले, चश्मा पहनने वाले ऐसे व्यक्ति दिखाया है, जो भगवान कृष्ण का ऐसे अंग में कुछ दोष नहीं है, वे भगवान है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि भगवान के नाम पे जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, कई देश में, दुनिया में कई लोग हैं कि भगवान के नाम पे काफी ट्रस्टीज वगैरह खुल रखे हैं। जो पिक्चर में मैसेज था मैं वो बता रहा हूँ कि भगवान के नाम पे साधु संत सब हो गए, तो वो लोग उनका जरिया भगवान को पाने के लिए उनका जरिया क्यों? शास्त्र में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासनम, आचार्यों की उपासना करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा भ्याधिका, मेरी पूजा करने से और भी महत्वपूर्ण और भी बड़ी है मेरे भक्तों की पूजा। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, तो जो ढोंगी है वो अलग बात है, बहुत ढोंगी है जो भगवान का नाम लेकर उनके कहते हुए शिष्यों को शोषण करते हैं। शास्त्र में बताया गया है बहवो गुरुवो संति शिष्य वित्तोपहारक, दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। भगवान महादेव उनकी पत्नी उमा पार्वती को बताए कि ऐसे बहुत कहते हुए गुरु है जो निपुण है उनके शिष्यों के वित्त अर्थात पैसा लेने में, और दुर्लभ है ऐसे सद्गुरु जो निपुण है उस शिष्यों का संताप लेने में। तो वो सही है कि धर्म कलयुग में
धर्म का नाम में बहुत अधर्म चलते, लेकिन वो साथ साथ सबको चढ़ना, मंदिर नहीं जाना, नाम जाप नहीं करना, तो ये विचार गलत है। गॉड ही है, भगवान है, और कैसे भगवान की पूजा करना है तो वो सब शास्त्र से समझना चाहिए। और शास्त्र में वो गुरु साधु भक्तों की पूजा करने की विधि है, तो उसको बंद नहीं करना है, तो विचार करना चाहिए कौन वास्तव साधु है, कौन ढोंगी है, और इसके अनुसार जो वास्तव साधु है इनकी पूजा करना चाहिए, और जो ढोंगी है तो छोड़ दो ऐसे लोग। लेकिन आज की तारीख में तो ऐसा हो गया कि जिसके पास ज्यादा फंडिंग है, ज्यादा आश्रम है, वो अच्छे साधु है। और हाँ, जैसे वो कोलगेट टूथपेस्ट तो एडवर्टाइजिंग से बड़ा होते हैं, तो ऐसे ही अगर किसी साधु के बहुत पैसे वाले शिष्यों हैं तो एडवर्टाइजिंग से बड़ा बनते हैं। लेकिन जो वास्तव भगवान है कृष्ण, तो वे रहेंगे, यही सब बाबा बापा यही सब जो आते जाते हैं, और वास्तव भगवान जो है तो रहेंगे। तो हमारा मैसेज है कि ये सब डोंगी से ही विचलित मत हो, ये जो वास्तव भगवान है इनकी पूजा करो, और जो वास्तव साधु है उनकी बातें मानो, क्योंकि वास्तव साधु जन तो कई भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण कहते तो वो ही कथा बोलते हैं। माना जी पिक्चर में भी शायद यही मैसेज है कि भगवान को आप भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन उनके नाम पे जो लोग चला रहे हैं उनकी पूजा मत कीजिए। हाँ, जो भगवान का नाम लेके धोखा देने वाले हैं तो ऐसे लोग को छोड़ो, वो हम भी मानते, वो सही है, वो सही है, लेकिन उससे क्या होते, क्या वास्तव ऐसा होते। मैं सुना था कि बहुत से लोग उसको देखने से ही सोचते कि तो सब साधु ढोंगी है, और मंदिर मत जाओ, सब मंदिर चलाने वाले तो सब दुर्ता है, जो सही नहीं है। जैसे ही वो नर्मदा के ऊपर बहुत सुंदर शिव मंदिर है नहीं भरूच में, तो वहाँ जाना, क्या जाना है कि नहीं, वहाँ पर अच्छी पूजा चलती है, तो हम वहाँ जाकर नर्मदा माई को, भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, उसमें क्या दोष है, उससे क्या पाप होते हैं, गलती होते हैं क्या? तो अभी मैं वो एक श्लोक भगवद गीता लेकर एक प्रवचन दिया था कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं और सात और असात में, तो पहले वो फर्क क्या पड़ते इसको समझना चाहिए। आजकल धर्म का नाम में बहुत जो अधर्म है बहुत कुछ चलते हैं, तो क्या वास्तव धर्म है इसको समझना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि गरीबों को खिलाओ यही धर्म है, तो ठीक है, तो गरीबों को खिलाना है, लेकिन वो तो पूरा धर्म नहीं है। पूरा धर्म है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो और सब जो धर्म का नाम है चलते है, जो वास्तव धर्म नहीं है वो सब छोड़ दो, और ये वास्तव धर्म ग्रहण करो, मेरे चरण में शरणागत होना। तो इसलिए हम जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के सदस्य है, हम भगवान कृष्ण का प्रचार करते हैं। मैं इस्कॉन में गुरु हूं और मेरे शिष्यों मुझको आदर देते हूं, लेकिन हम चार दिशाओं में प्रचार नहीं करते भक्ति विकास स्वामी की जाए, ऐसा नहीं है। हम कृष्ण भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, मेरे शिष्यों मुझको आदर कहते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत विषय है, और
हमारा मूल प्रचार है कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण भगवान है। हम भगवद गीता वितरण करते हैं और उसमें वो सब भावार्थ है जिससे लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए जिससे सब लोग वो भगवद गीता का वास्तव ज्ञान मिल के लाभान्वित हो सकते। जैसे अभी बोला था वो भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण बोलते हैं वो विज्ञान है। भगवद गीता में श्री कृष्ण सात और असत में क्या पार्थक्य क्या है इसको समझना है, ये भगवान कृष्ण बताए। ये अंधविश्वास का विषय नहीं है। तो ओ माय गॉड पिक्चर से हम यही समझ सकते हैं कि अंधविश्वास तो ठीक नहीं है, उसमें ऐसा ही बताया गया है कि आपके परंतु विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास से दूर रहिए। आपने तो खुद देखी, तो अंधविश्वास गलत है और अंध अविश्वास वो भी गलत है। तो क्या सच है इसको समझना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो सच है अर्जुन को सिखाए, तो क्या सच है हमको सीखना है। आखिरी सवाल कि ऐसा नहीं लगता कि और एक सलाह है कि इस मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, तो इसमें इस समय नष्ट करना बॉलीवुड मूवी देखने से और बहुत अच्छा है भगवान का भजन करना। हॉलीवुड पिक्चर देखने, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड जो है वो सब पिक्चर से हम जीवन का वास्तव उद्देश्य नहीं मिल सकता, ये खाली मनोरंजन है। आखिरी सवाल, ऐसा नहीं लगता कि धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए धर्म गुरुओं को वही उसी दिशा में काम करना चाहिए, नहीं कि हाई फाई कारों में घूमना चाहिए या आलिशान आश्रम छोड़ने चाहिए। नहीं, प्रचार होना चाहिए सभी जगह में, इसलिए जाना है। हम अभी वडोदरा से आया है, हम कैसे आया है कार से, हम पद यात्रा भी कर सकते, तो शायद 3-4 दिन लगा। तो आज की सुविधाएं है और ऐसे वैज्ञानिक वो सब बनाते हैं जिससे लोग जो इंद्रिय तृप्ति से आ सकते हैं तो ज्यादा इंद्रिय सुख मिल सकते हैं। और हम ये सब प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा में, उसमें गलती है क्या? वो सब चीजें, वो सब चीजों हम इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में। जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और इसके बाद इंटरनेट पर इसके डलवाना होगा, जैसे आगे आज जो मैं वो बात जो मैं बोलता हूँ उसमें सच हो तो अच्छा हो उसका प्रचार करना। तो अगर आजकल वो इंटरनेट की सुविधा है तो इंटरनेट से हम प्रचार करेंगे। बहुत गलत विषय का प्रचार होते हैं इंटरनेट पर, तो सच का प्रचार नहीं होना चाहिए क्यों? लेकिन इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या साधुओं का? हरे कृष्ण। और बात समझते बिल्कुल, लेकिन महाराज जी मेरा सवाल ये था कि जो आपने तो ओ माय गॉड फिल्म देखी नहीं है उसमें यही सब बताया गया है कि भगवान को आप पूजिए। लेकिन मेरे शिष्यों ऐसे बताए मुझको, आप मुझे सुनिए कि आप भगवान को पूजिए, लेकिन भगवान के नाम पे जो लोग डोंग करते हैं, जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को बॉयकॉट कीजिए। वो सही है, तो उसी में लेकिन क्या है आम लोग का इतना सा विचार नहीं है कि कौन सही है कौन ढोंगी है, तो दोनों में ही क्या विवेचना है वो उसका ज्ञान नहीं है। तो अच्छा होता यदि वो फिल्म है ऐसे मैसेज था, तो ढोंगी लोग छोड़ो और
सच लोग का पालन करो तो उसमें क्या है वो भगवान कृष्ण भगवान का नाम जप करना वो है उसमें ऐसा नहीं। हाँ तो वो मैसेज होने चाहिए क्योंकि इस शास्त्र में है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलि युग में युग धर्म है हरि नाम, तो ऐसे ही कहने मैसेज वही है। कलि ये लोग डोंगी है वो लोग डोंगी है तो ठीक है, लेकिन क्या सही है उसको भी लक्ष्य करना चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ कि उसमें मैसेज यही है कि आप भगवान को भजिए, भगवान की पूजा कीजिए, उसको याद कीजिए, तो आप करो न कि उनके नाम पे बस ऐसे आलिशान गाड़ियों में घूमने वाले और पैसा इकट्ठा करने वाले साधु। तो आप करो, आप भगवान का भजन करो। हाँ, और आप अगर देखेंगे कि हम कार में जाते हैं तो आप जरूर से हमको निंदा मत करो, तो पहले सुनो। ये निंदा की बात नहीं हमारा, जिसलिए हम जगह जगह जाते हैं, तो हम जगह जगह जाते हैं नहीं तो आराम के लिए नहीं, हम जगह जगह जाते हैं भगवद गीता का सत्य प्रचार करने के लिए। ये निंदा की आप अपने पर मत लीजिए, मैं जनरली बात बता रहा हूँ, ये निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ। साधु का मतलब क्या होता है? सभी इंद्रियों पे काबू पाना, बराबर। अगर लेकिन आज के युग में आप बताइए, एक साधु ऐसा बताइए मुझे कि जिसने सभी इंद्रियों पे काबू पाया है, जो सब ऐसा है, सब स्कैंडल्स जो सब ऐसा है, जो स्कैंडल्स आ रहे हैं काफी स्कैंडल्स मोस्ट ऑफ साधुओं के आए। तो मैं एक उदाहरण बोलता हूँ कि अगर स्कूल में ऐसे कुछ स्कैंडल्स होते हैं, काफी टीचर प्यूपल, तो ऐसे तो इसलिए सब स्कूल बंद करने चाहिए क्या? लेकिन ये लोग हैं, जो लोग जो है वो उनका जरिया है, वो स्कूल का बंद कर। आपने जैसे बताया ना, कुछ एक महीने तक देखेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे कुछ लोग, स्कैंडल सब लोग, तो ऐसे ही समझ लो, याद रखते हैं, ऐसे ही समझ लो कि यदि कुछ चीचा है तो दुर्ता है, तो इसलिए सब स्कूल बंद नहीं करना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या योग्यता है टीचर होने के लिए, चरित्र शुद्ध होना चाहिए, इसको देखना चाहिए, स्कूल को बंद कर। तो इस प्रकार सुनिए तो सब आश्रम को बंद करना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो साधु है तो पहले देखना चाहिए उनके चरित्र आचरण क्या शुद्ध है, कैसे पता चलेगा? तो देखना पड़ेगा वो साधु बहुत बड़े हो गए होंगे, देखना पड़ेगा। आपके मानते हैं सच्चे साधु की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है शास्त्र में कि वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर पष्ट वेगम एतान वेगम यो विषहे तद्धीर सर्वम अपीमां पृथिवी सशिष्यात। ये पहले महाभारत में आते हैं ये श्लोक, और बाद में रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत में आया है। इसका मतलब है वाचो वेगम, वेग का मतलब क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में? वेग बोलते हैं। तो बोलने की इच्छा होती है तो लोग गपशप बकवास बोलते रहते हैं। सुनो तो वाचो जो वचन में केवल लोग का हित के लिए शास्त्रीय वचन कहते हैं वो साधु है। वाचो वेगम मन, तो जिनके मन स्थिर है वो ही साधु है, जो जिनके वचन शास्त्रीय वचन है। वाचो वेगम मनसा क्रोध, जो छोटी छोटी बातें से गुस्सा नहीं होते वो साधु है। तो गुस्सा हो सकते जैसे मुझको वो रामायण मुझको दे दो, तो ये हनुमान है, गुस्से हुए हनुमान लंका को जलाते हैं, तो परम साधु है हनुमान।
तो राम के परम सेवक है, तो क्रोध को दमन करना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि हम कभी भी गुस्सा नहीं हो सकते, लेकिन क्रोध क्रोध भक्त द्वेषी जाने, जो भक्तों को द्वेष करते हैं या भगवान को द्वेष करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्रोध प्रकाश करना चाहिए। वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जीबा जीब, तो इसको दमन करना चाहिए। जीभ का दो काम है, एक है बोलना और दूसरा है भोजन लेना। तो साधु ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत बहुत स्वादिष्ट आइटम कहते, नहीं, जो प्रसाद कृष्ण प्रसाद लेते सिर्फ शरीर का पोषण के लिए, जिससे शक्ति मिलती है भगवान की सेवा करने के। जीवा बैगम उदर उदर पेट, तो उसमें बहुत बहुत खाना नहीं देना, जितना जरूरत है इतना सलाना है। और उपस्थ उपस्थ का मतलब लिंग, तो ये सब कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये सब नियंत्रण करते हैं, तो वो व्यक्ति साधु है शास्त्र का विचार के अनुसार, और वो व्यक्ति योग्य है पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए। तो ये शास्त्रीय विचार है। इसमें मैसेज भी ऐसा ही जाता है, जो दो मैसेज ये है, एक बोला है कि मंदिर जाओ आप बराबर है, लेकिन ये जो दूध चढ़ाते हो तेल चढ़ाते हो, यहाँ आबादी इतनी है अभी लोगों को खाने को नहीं मिलता, इतनी पुअरिटी है, और तभी आप जो पत्थर पे दूध डालते हो। नहीं कि लोग की लोग खाना नहीं मिलते वो मंदिर जाने का कारण से नहीं है। प्रभु सेवा किसमें है कि मानस आदमी आदमी की सेवा करे तो प्रभु की सेवा हो ही जाती है? नहीं नहीं वो नहीं 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 वो कि कुछ लोग भूखी है तो वो लोगों का मंदिर जाने का कारण से नहीं है। दुनिया में काफी काफी पैसा है, मंदिर जाओ और लोग सब भी जाओ, वो सब दूरतों को से वो पैसा जो भ्रष्टाचार से लेते हैं वो ले जाओ और भूखी लोगों को खिलाओ। मंदिर मंदिर जाने का बंद ऐसे नहीं होना चाहिए। मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, मंदिर में दान पेटी में पैसा डालने से मना कर रहे हैं। क्यों? ये पिक्चर में क्यों क्यों बस आप दान पेटी में डालते हो, इसकी वजह से आपने दान पेटी में दान दान पेटी में पैसा देना चाहिए। क्यों? वो मंदिर चलाना है, नहीं पूजा करना है, वो सब करना है। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं मानते मुझे सोने का आसन दो या मुझे इसी में। क्यों नहीं? पब्लिक जो खाने जिसको खाना नहीं मिलता और आप भगवान को सोने के सिंहासन पे बैठा दो, तो कितना काफी पैसा है भारत में, काफी पैसा है दुनिया में, क्यों ऐसे बोलते? तो जो लाइक वो क्या ओ माय गॉड का फिल्म से तो पहले दो हफ्ते में कितना करोड़ का लाभ था, क्रॉ क्रॉला, तो कितना दिया था वो भूखी लोगों को? आप पूछो, आप पूछो, 70 करोड़ 70 करोड़ फिल्म बनी ना कि 70 करोड़ आए, भ्रष्टाचार हुए, लेकिन उसमें से भी कई काफी मंदिर। तो कितने आप पूछो, आप पत्रकार वही वही आप पत्रकार है, आप पूछो वो लोगों से, तो कितने कितने दिया है, आप पूछो वो लोगों से। यही मैसेज है महाराज जी, 70 करोड़ कमाए लेकिन उसमें से कितनों के पेट भरे भी ना, उसके जितने थिएटर वाले थे, जितने उसने काम भी मिले, काम किए, तो वो सब लोगों से पूछो क्या होता है। बाहर जो 10 लोग बैठे हैं या जो उसके कर्ता धर्ता जो 20 लोग हैं, जो बाहर भीखारी बैठे होते हैं, नहीं आप पूछिए वो सब लोगों से, आप कितने दिया है, क्या है। बहुत लोग जो मंदिर के बाहर बैठे हैं या ऐसे भूखी दिखाते हैं, तो वापस घर जाते हैं तो टीवी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। नहीं मैं वो बोल रहा हूँ कि बॉम्बे में ऐसे ही बहुत मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं, आप जैसा बोल रहे हो कि उनके पास भी बहुत पैसा है, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो रास्ते में ऐसे ही भिखारी कहते हैं, जो कितने वो 10 रुपया 20 रुपया मिलते हैं, तो बहुत काफी पैसा मिलते। हम प्रसाद साथ में हम प्रसाद लेके जाते हैं, और वो भिखारी लोग हम प्रसाद देते हैं, वो नहीं लेते हैं, अगर भूखी है तो क्यों नहीं लेते है? वो पैसा चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा बिजनेस है,
वो मुस्कान है, क्या बोलते हैं, प्रसाद के बदले में भी तो पैसे लिए जाते हैं। अब कोई भी मंदिर में जाइए, 11 रुपए रखिए आप और एक प्रसाद की टोकरी मिलेगी। हाँ, फ्री भी मिलते हैं, और अगर और ज्यादा लाना चाहते हैं तो खरीदना भी है। हाँ, वही वही ना। तो यही सही है कि धर्म का नाम में खुद का स्वार्थ के लिए बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो सही है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि यार लोगों के पास उतने आश्रम से नीचे साधु जी के मर जाने के बाद नहीं, और मंदिर तो बहुत सुंदर बनाना चाहिए, और जो साधु है जो मंदिर में रहते है तो दीन सेवक ऐसे ऐसे जीवन देना चाहिए। लेकिन सब अच्छे अच्छा चीजों तो भगवान को देना चाहिए, और भूखी लोग को उनको भी खिलाना चाहिए। लेकिन इसलिए भगवान की सेवा, उसको छोड़ो मत, उसको बंद करो मत। तो ऐसे बहुत बड़े लोग है नहीं, वो सब टाटा बिरला हिंदुजा तो बड़े बड़े मकान में रहते हैं, वो सोना भी है चांदी वो सब कुछ है। तो भगवान सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो भगवान तो चौपाटी में डालना क्यों, भगवान के लिए बहुत बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। पिक्चर में ऐसा मैसेज है कि भगवान डायरेक्ट मांगे तो मैं देता हूँ, लेकिन भगवान के नाम पे कोई साधु मांगेगा तो वो टाटा बिरला ही हुआ ना। भगवान के नाम पे अगर कोई साधु बोलता है, साधु तो भगवान है नहीं। नहीं, साधु भगवान की प्रतिनिधि है, वही ना। तो टाटा बिरला जो है तो वही हुआ ना, क्योंकि उनके भी चाहे नहीं, हम नहीं बोलते कि टाटा बिरला तो अच्छा मकान में नहीं रह सकते। हम बोलते हैं कि अगर साधारण लोग टाटा बेला जैसे बड़ा मकान में रहते हैं तो भगवान के लिए हम सुंदर मकान नहीं बन सकते, क्यों? भगवान के लिए सबसे सुंदर मकान अपना दिल है। हाँ, तो हाँ वो सही है। तो आप तो आपका दिल ऐसे सुंदर बनो। हाँ, और शास्त्र तो से मंदिर बनाने शास्त्र नहीं है, करोड़ों रुपये का। आप शास्त्र से सीखो कि की मंदिर बनाना चाहिए, उसमें क्या गलती है? गीता में नहीं लिखा, क्या गलती? गीता में भी नहीं लिखा है कि मंदिर बनाओ, मेरा शास्त्र में है श्रीमद् भागवत, मेरा मंदिर बनाओ ऐसा कोई नहीं लिखा, श्रीमद् भागवत में है। मंदिर बनाने की बात नहीं, आप सुनिए, आप तो शास्त्र नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा लाइन है, आपका लाइन है, आप पत्रकार है, शास्त्र में ऐसा लिखा है मंदिर बनाने ही। आप बोलते हैं मंदिर बनाना नहीं है, तो वो सब वास्तु शास्त्र में कैसे मंदिर बनाना है वो पूरा वर्णन है शास्त्र, वास्तु शास्त्र में। मैं बोलता हूँ भगवान ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को उद्धव गीता बोलते हैं, उसमें एक पूरा अध्याय है जिसमें भगवान कृष्ण बोलते है कि मंदिर बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें क्या करना है। तो है वो शास्त्र ही है। ओके, और कुछ मैसेज हो तो बता दीजिए अपनी तरफ से। आप भगवद गीता यथारूप पढ़ो। मैंने पढ़ी है। आप जो पत्रकार है, आपका कर्तव्य है वो सच समाचार देना। आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन वो पत्र के द्वारा बहुत गलत फहमी प्रचारित होते हैं। आप अगर सच प्रचार करेंगे तो समाज का कल्याण होगा। जैसे पत्र वो समाचार पत्र में है वो सब ब्यूटीफुल गर्ल्स का पिक्चर दिखाना है, उससे समाज का क्या कल्याण, क्या कल्याण होता है? वो खाली काम बढ़ाना होता है, उससे क्या फायदा होता है? उसको बंद करो। 500 करोड़ 1000 करोड़ की मंदिर की प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसमें भी समाज का क्या कल्याण? भगवान तो भिखारी नहीं है, भगवान तो भगवान तो भगवान तो गरीब नहीं है, भगवान तो राज आदि राजा है। भगवान के नाम पे लोग मांगते तो भगवान तो सबके बड़े है, राजा के राजा है, तो राजा तो राजमहल में रहना चाहिए। आप देखिए, आप देखिए, आप जरूर से विचार कीजिए कि पूर्व काल में
पूर्व काल में इस देश इतना धनी देश था कि बहुत दूर से ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच सब आए थे. अफ्रीका को छोड़ के इस देश आया है और धन लूटने के लिए. तो उस समय भारतीय और उसके पहले मुसलमान भी आए थे, वो मुगल आए थे. तो उस समय भारतीय लोग अपनी संस्कृति पालन करते थे, बड़ा मंदिर बनाते थे और मंदिर भी था और बहुत धन संपत्ति भी था. पहले महाराज जी छोटी छोटी ऐसी डेली बोलते उसको. सुनिए नहीं नहीं नहीं, आप तो नहीं मालूम, आप तो नहीं मालूम. सोमनाथ में बहुत बड़ा मंदिर, आज तक बहुत बहुत विशाल मंदिर है खास दक्षिण भारत में. तो उस समय अपना धर्म पालन के साथ बहुत बहुत धन संपत्ति थी भारत में और उसको लूटने के लिए विदेश से लोग आते थे. तो वो सब कुछ था, भगवान की पूजा, बड़ा मंदिर बनाना, भूखी भिखारी गरीब लोग तो नहीं थे. वो सब बहुत धन संपत्ति में रहते थे धर्म पालन करने से. तो यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, उसका मतलब नहीं है कि हम दूसरे लोग का भौतिक हित उसको हम नहीं देखेंगे. दोनों साथ साथ में होना चाहिए. तो नहीं है कि इतना अभाव है कि वो सब मंदिर से सोना लेना है और उसको वो गरीबी को खिलाने से वो पैसा डालना है. तो काफी पैसा है बड़ा मंदिर बनाने के लिए और भूखी लोगों को खिलाने के लिए, दोनों के लिए. लास्ट में मैसेज यही कहता है वो माय गॉड में कि लोग डर से या अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करते हैं और इसीलिए वो जो मीडिएटर है भगवान के, एक साधु बैठ गया या एक मंदिर खोल दिया, एक संत है महात्मा, ये डरा रहा है और डर के लोग भगवान के पास जाते हैं. श्रद्धा से कोई भगवान के पास नहीं जाता. और कोई कष्ट है, कोई डर है, कोई स्वार्थ है, कोई लोभ लालच है, इसकी वजह से जाते हैं. और उसमें साधु संत का भला हो रहा है क्योंकि वो नस पहचानते हैं कि ये किसी भी मानसिक तनाव में है या आर्थिक शारीरिक रूप से और इसे मुझे लूटना. ऐसा है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे भजन करते हैं, अर्थो जिज्ञास, अर्थार्थी, ज्ञानी, चाभर्त, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन. अर्थो जिज्ञास, अर्थार्थी, ज्ञानी, चाभर्त. भगवान कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे भजन करते हैं. एक है अर्थ अर्थात दुखी, अर्थार्थी जो पैसा चाहते हैं, अर्थ जिज्ञासु जो क्या है ये सब जिज्ञासु व्यक्ति, अज्ञानी अज्ञानी है. तो श्रेष्ठ है उदार सर्व एवं थे ज्ञानी च भरतर्षभ. ज्ञानी श्रेष्ठ है जो ज्ञान से भगवान की पूजा करते वो श्रेष्ठ है. इसलिए हम प्रयास करते हैं तो हल्का भावना सेंटिमेंटल स्टाइल ऐसे नहीं है, ज्ञान के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करना. वही है ना कि जो साधु संत महात्मा जिनका काम है वो ज्ञान फैलाए, नहीं कि अंधविश्वास फैलाए या डर के लोगों को ढूंढे कि यहाँ ऐसा करने से ऐसा होगा या वैसा होगा. कुछ प्रचार करना है तो केवल भगवान का ज्ञान का प्रचार करना. और इसलिए ही वो प्रचार करने के लिए संस्थ होना चाहिए और इसलिए ऑफिस बिल्डिंग वो भी हम भी पैसा लेते. अगर आप पैसा देंगे हम लेंगे, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखते. हम सब कुछ भगवान की सेवा में डालते हैं जिससे लोग का हित होगा. हमारी ऐसी इच्छा है कि आप खुद एक बार जरूर देखिएगा ओ माय गॉड, और वो भी इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा तक, लेकिन जरूर नहीं है. ऐसे कितने सारे फिल्म आप एक अच्छी चीज मिस कर देंगे. आप तो आपको शायद जो अगर आप भगवान को मानते हैं, बिलीव करते हैं और कृष्ण को, हाँ तो आपको जो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए. यही ज्ञान है, हम बिलीव या नॉट बिलीव यही विचार नहीं है. भगवान है इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए. अपने माइंडसेट से लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से बिठा दिया, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप खुद देखिएगा उसको. हमारे पर्सनली ऐसा मानना है. तीन चार हफ्ते के बाद वो नया फिल्म आएगा और ऐसा ये भूल जाएगा सब कुछ. थैंक यू.
वो तो है ही, हमारे देश की यही सबसे बुरी चीज है। और इसलिए हर रोज वन आया तो उसके बाद टू आए, थ्री आए शायद, और इसलिए हर रोज नया समाचार पत्र आती है ना, और कल का उसको फेंकते और रामायण गीता तो चलते रहते हैं, इसलिए हम रामायण और गीता को मानते। आज जो ताजा खबर है तो कल उसमें कुछ मामला डालना, शाम को पस्ती हो जाता है, हमारा न्यूज़पेपर तो ऐसा ही होता है, खराब हो जाता है। हरे कृष्ण। एक और चीज महाराज ने, हालांकि महाराज ब्रिटेन से है लेकिन उन्होंने पूरा जीवन लिख सकते आपके न्यूज पेपर में, 1975 में भारत महाराज इस्कॉन के संपर्क में आए, श्री प्रभुपाद की पुस्तक के द्वारा ब्रिटेन के अंदर उन्होंने पुस्तक पढ़ी और समझा कि वास्तव में जो भगवत तत्व विज्ञान है, भगवान का ज्ञान जो है वो बेसिक संस्कृति के अंदर प्राप्त है, जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर नहीं है। भारत के लोग इतने मूर्ख बने हुए हैं कि उनके पास इतना अच्छा वैज्ञानिक ज्ञान होने के बावजूद भी वो सब कुछ छोड़ के पाश्चात्य देश में जाके पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हैं। तो उसके लिए भारत ने पुस्तक लिखी है, एक पुस्तक है भारत ना युवाओं ने संदेश, भारत भारतीय नवयुवकों को संदेश। भारत ब्रिटेन से भी भारत के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में आप याद कीजिए, आपकी महान संस्कृति जो है, जो वैज्ञानिक संस्कृति है, वो समझिए, ये कुछ अंधश्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा का प्रचार होता है वो दूसरी बात है, लेकिन पूरा वैज्ञानिक है। और देखिए कि भारत क्यों विदेशी लोग भारत की ये इतनी महान संस्कृति पर आकर्षित होते हैं, अंधश्रद्धा चाह सके नहीं होते। भारत ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, पिछले 35 सालों से बांग्लादेश भारत में और पूरे दुनिया प्रचार करते हैं, हिंदी सीखा है उन्होंने, शास्त्र पढ़े हैं और बंगाली भी आता है उनको, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा वैज्ञानिक रूप से समझा है कि इसमें वास्तव में भारतीय संस्कृति में वास्तव में भगवान का ज्ञान था। तो भारतीय लोगों को उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वास्तव में शास्त्र पढ़ना चाहिए, बहुत सारे ढोंगी है उनको भगाना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या वास्तविक है उसका भी, उसका ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। तो महाराज ने पुस्तक लिखी है, हम आपको सबको एक एक देंगे सब पत्रकारों को। महाराज का थोड़ा परिचय हाँ। जो है तो प्रेस नोट जैसा तैयार किया है अपना, इसके अंदर पीछे है महाराज का परिचय, उसमें से आप ये सब लोग मेरे साथ रहते हैं और कैसे मैं रहता हूँ ऐश्वर्य में नहीं रहता। महाराज जो है सब पैसे जो मेरे पास आते हैं मैं वृंदावन चंद्र को देता हूँ, तो उसमें वो सब पैसे जो एक अकाउंट में है, अकाउंट में अकाउंट में जो पुस्तक छपाने के लिए है। महाराज से कृपा प्रसाद देते हैं पूरे दिन में दोपहर को जय, और कुछ बहुत ही सिंपल प्रसाद देते हैं, ऐसे नहीं कि प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय नहीं पीते और मसाज नहीं करते, सिंपल प्रसाद जिससे शरीर निभा हो सब प्रसाद लेते हैं। और तो वो एक बात है यार, सब लोग शाकाहारी थे तो सबके लिए तो काफी भोजन मिलता, क्योंकि वो मांस उसका दाम बहुत है नहीं, मांस अंडा तो वो सब छोड़ दो और सबको शाकाहारी बनाओ। तो महाराज बता रहे हैं, आप समझे, महाराज बता रहे हैं कि मांस और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, वो छोड़ दो, शाकाहारी बनो और भूखों को खाना खिलाओ। और इसलिए मंदिर होना चाहिए जिससे बहुत लोग आकर्षित होंगे और ये मैसेज हम लोगों को बता देंगे। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.